Hello everyone, welcome back to the channel of NCERT Learning Academy. So today we are going to do Fiber to Fabric Part 2 of the Class 7 Science. The best quote for the day is, the mistake you make today will let you succeed tomorrow. The topics to be covered today are rearing of sheep and obtaining fiber, India sheep and breed, process to make fiber and wool, and also about silk. This is second part, so we'll study more in this. Now, rearing of wool. It should be wool. Sheep are reared into hilly areas of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir mein hilly areas mein rear hote hain. Himachal Pradesh and Uttaranchal mein aur Arunachal mein और साथ ही साथ सिक्किम में भी ये रियर होते हैं क्योंकि ये हिली एरियाज हैं. हिली एरियाज में तो बहुत जगह रियर होते हैं. अब देख लेते हैं प्लेन एरियाज में कहाँ रियर होते हैं. प्लेन एरियाज में हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में एवं गुजरात में, इन सभी में जो प्लेन एरिया है यहाँ पे भी वूल की रियरिंग होती है. शीप्स जो होती हैं आपको पता है कि हर्बीवोरस होती हैं, यानी बस प्लांट को खाती हैं. वो मेनली फीड करती हैं ग्रास और लीव्स पे. बट एक अच्छे वूल के लिए, एक अच्छे फाइबर के लिए हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करना होता है? पल्सेस. ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दैट व्हाट आई प्रोवाइडेड टू द शीप इन वन मार्क्स. ये वन मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे देख लेना एक बार. इंपॉर्टेंट स्लाइड. कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और अदर मटेरियल्स. बस आप ये चार नाम याद रखना, पल्स, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स. इन सब से जब इन्हें फीड करते हैं तो इनसे और भी अच्छा फाइबर निकलता है. नेक्स्ट है शीप फीचर. इन विंटर शीप्स आर कैप्ड इनसाइड एंड फेड. शीप्स जो विंटर में होती है इनसाइड मतलब घर के अंदर रहती है और उन्हें फीड किया जाता है. लीव्स, ग्रास एंड ड्राई फूडर के ऊपर. अब हम देखते हैं कि शीप के किस पार्ट से निकलता है वूल. हेयर ऑफ शीप. हेयर ऑफ शीप जो आपके फ्लीस में प्रेजेंट होती है. फ्लीस वो पार्ट होता है जिससे वूल ऑब्टेन होता है और वही फ्लीस पे हेयर उगता है जिससे जो फ्लीस हेयर ऑफ शीप है वो शेव्ड होता है फॉर गेटिंग वूल. नाउ लेट अस सी द टॉपिक लिस्ट ऑफ इंडिया ब्रीड्स एंड शीप. अब हम देखने वाले हैं वो इंडिया के ब्रीड्स और शीप के बारे में जो आपने पढ़ रखा है. आपके बुक में भी किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में दिया है, बट यहाँ पे हम पढ़ा देते हैं आपको. तो पहला आपका लोही है. लोही, लोही ब्रीड का क्वालिटी गुड क्वालिटी वूल होता है. गुड क्वालिटी वूल. स्टेट जो फाउंड होता है इसके लिए वो है राजस्थान एंड पंजाब. ये मेनली है और कहीं भी हो सकता है लेकिन मेनली आपको इतना याद रखा है. ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा आ सकता है लोही कौन से स्टेट पे फाउंड होता है, कैसी क्वालिटी है एंड पंजाब. यहाँ पे पहले हम नाम लिख लेते हैं ब्रीड्स के, तब उनके बारे में डिस्कस करते हैं. हमारा ये सेकेंड पार्ट है. इसके बाद हमारा आने वाला है थर्ड पार्ट जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और थोड़ा सेल के बारे में भी जानेंगे. सो आप उसे अच्छे से देखिएगा और उसके बाद होगा एक क्विज एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फॉर योर पार्ट्स. और अगर आपको चैप्टर 1 और 2 की लिंक चाहिए विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो थ्रू दैट. आई नो वी आर मेकिंग द वीडियोज टू लेट बिकॉज यू आर बिजी ऑन द बॉक्स. And these are the breeds. Which are the breeds? A question. आप ये learn कर लीजिएगा कि breeds कौन सी होती है. लोही number 1 breed है, रामपुर बुसेर number 2 breed है, नाली 3rd breed है, बकरवाल 4th breed है, मारवाड़ी 5th breed है और छठा पठवाड़ी है. पटनवाड़ी. यहाँ पे मैंने N miss कर दिया, पटनवाड़ी है ये. अब quality देख लेते हैं. जो रामपुर बुसेर की quality है वो है brown fleece. ब्राउन फ्लीस, ठीक है. कारपेट फूल, वेट अ मिनट. नाली जो है वो
कारपेट वूल के लिए होता है। एक मिनट, हमने तो यहाँ पे लिखा ही नहीं कि कहाँ पे फाउंड होता है। रामपुर बिसेन यूपी में और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। आई एम राइटिंग शॉर्टकट्स सो यू कैन विद द फुल फॉर्म्स आल्सो। नेक्स्ट आपका कारपेट वूल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसे याद कर लीजिएगा। ये राजस्थान में है, राजस्थान। देन इट इज हरियाणा और आपका पंजाब। नेक्स्ट है आपका फॉर वुलन शॉल्स, ये आपका वुलन शॉल्स के लिए होता है। कौन? बखरवाल। आपने आई थिंक फिफ्थ क्लास में पढ़ा था कि बखरवाल जो शीप होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव वूल देती है। आपने फिफ्थ में पढ़ा था, उसके बाद सिक्स में भी इसके बारे में थोड़ा जाना था, लेकिन अब आप सेवन्थ में देख रहे हैं कि ये वुलन शॉल्स देती है। और कहाँ फाउंड होती है? जम्मू एंड कश्मीर। वन स्टूडेंट वॉज आस्किंग टू मी डैट हम एट्थ में क्या पढ़ेंगे। एट्थ इज होल अबाउट सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर भी है उसके अंदर, लेकिन सिंथेटिक फाइबर पूरा दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर हमने बस नेचुरल फाइबर के पढ़ा, कहीं भी हमारा सिंथेटिक फाइबर नहीं आया। आई हैव इंक्लूडेड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज फॉर योर ओलंपियाड्स। दैट इज नॉट मीन कि आपके सिलेबस में सिंथेटिक फाइबर नहीं है तो वो नहीं आएगा। एनसीईआरटी ने बहुत सारे चैप्टर्स लीड कर दिए बट दे आर नॉट लीडेड इन द ओलंपियाड्स। सो नेवर थॉट कि जो चैप्टर्स आपसे पढ़ रहे हैं स्कूल में, स्कूल के सिलेबस से, वो नहीं, बल्कि जो आप ओलंपियाड्स के लिए पढ़ रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो मारवाड़ी है आपका कोर्स वूल देता है और ये होता है गुजरात में। गुजरात कॉटन का सबसे बड़ा वो है और वूल का भी शायद सबसे बड़ा नहीं है, हो भी सकता है, ये थर्ड पे आता है गुजरात। तो गुजरात के तो बहुत सारे मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज हैं। नंबर वन स्टेट गुजरात का सिल्क प्रोडक्शन में गुजरात ही है, और फिर वूल में शायद गुजरात नहीं जे एंड के है, बहुत सारे स्टेट्स। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर। तो पहला प्रोसेस है आपका शियरिंग। इसके अंदर फ्लीस ऑफ शीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। इसमें क्या होता है, फ्लीश ऑफ शीप, जहां पे हेयर होता है आपका, हेयर एक थिन लेयर होती है, ये आपकी थिन लेयर याद कीजिएगा। आपने सिक्स में पढ़ा था कि थिन लेयर जो होती है शीप की उस पर बहुत सारे वो होते हैं, और ये से मदद भी करता है गर्मियों के दिनों में। आपको ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, दैट इज कि जो आपका वूल है वो आप वेयर किस में करते हैं, वेयर करते हैं विंटर में, लेकिन ये शियर कब होता है, मतलब शियरिंग प्रोसेस जो होती है वो समर में होती है। अब समर में क्यों होती है, अब आपने नोटिस किया है कि आपका जब मतलब गर्मी आ जाती है तो क्या आप पहनते हैं ऐसे कपड़े गरम गरम, पूरे 10-5 स्वेटर लगा के पहनते हैं या बाहर निकलते हैं? नहीं ना। सेम वही है कि शीप जो भी होती है उनके जो हेयर्स हो जाते हैं वो उनके लिए मतलब अच्छे नहीं होते, तो जो मतलब जो शॉर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके बाल को निकाल देते हैं। दैट्स इट। एंड दिस इज डन इन समर, इन यू कैन राइट हॉट वेदर। यहाँ पे मैं ओलंपियाड्स के लिए मंथ भी मेंशन कर देता हूँ। इनके बीच में होता है ये, याद रखिएगा। मतलब कितने मंथ्स? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मींस टोटल 6-7 मंथ के अंदर ये होता है, क्योंकि इसके बीच में धूप भी बहुत होती है। आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शीप को ठंडी लगने लगती है, क्योंकि वो अडाप्ट करना छोड़ देते हैं वेदर को, क्योंकि उन्हें भी अडाप्ट करना होता है कोल्ड वेदर को। या वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। द हेयर ऑफ शीप
have death cell. इनके जो हेयर पे होते हैं इन पे डेथ सेल्स होता है. सो दे गॉट नो पेन. सो इन्हें कोई पेन नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज स्काउरिंग. दिस इज स्काउरिंग प्रोसेस. स्काउरिंग वॉशिंग ऑफ शियर्ड स्किन. इसके अंदर क्या होता है? वॉशिंग ऑफ शियर्ड स्किन. ठीक है. अरे किसके अंदर होता है? ये होता है हमारा टैंक्स के अंदर. टैंक्स के अंदर. और क्या रिमूव करता है? टू रिमूव, क्योंकि आपको वूल तो अच्छी चाहिए, एकदम नेचुरल से तो अच्छी वूल चाहिए. रिमूव ग्रीज, डस्ट एंड डॉट एंड डॉट. व्हाट हैपेंड? आई डोंट इवन नो दैट व्हाट हैपेंड गाइस. वेयर डिड माय नोट्स गो एंड ऑल? आई हैव रिटन हियर. एंड दिस स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स. गाइस आई एम रियली सॉरी, माय नोट्स डिसअपीयर. आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड. But I am writing again. I think this will not happen again. This is washed in tanks. ये आपके जो sheared hairs होते हैं wash होते हैं tanks में, जिससे ये remove होता है. आपका क्या remove होता है? आपका सबसे पहले ग्रीज रिमूव होता है. ग्रीज रिमूव होता है, उसके बाद डस्ट रिमूव होता है, डर्ट रिमूव होता है, और बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं. अगर ऐसा कुछ होता है तो, मतलब बहुत छोटे छोटे आपके कीड़े होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन हम जब वॉश करते हैं तो वो निकल जाते हैं. और ये कौन से कौन से वाटर में होता है? यस राइट, इट इज डन इन हॉट वाटर. अब आप हॉट वाटर क्यों? गर्मी के दिनों में हॉट वाटर के अंदर, क्योंकि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, दे कांट डाई विथाउट दिस हॉट वाटर. सो दे नीड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री सेल्सियस टू डाई. दैट्स व्हाई इट इज बॉइल इन द, इट इज डन इन दैट. Next process is shorting. The hairy skin is sent to factory where hair of different texture are separated. और शॉर्टेड. शॉर्टेड मतलब अलग अलग करना, डिफरेंट टेक्सचर. मतलब कोई अच्छा है तो उसे एक तरफ करेंगे, एक रो बना देंगे. कोई थोड़ा बहुत खराब है उसे एक तरफ करेंगे. मतलब ये हो जाएगा सबसे कोस्टली, ये हो जाएगा इससे कम, मतलब 10% ये हो जाएगा ऐसे. मतलब आप समझिए ये 20%, यहाँ पे थोड़ा और गंदा इससे, और सबसे बेकार तो इधर ही हो जाएगा, वो तो सस्ता ही हो जाएगा आपका. नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 5 4, जिसके अंदर स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं जिसे हम बर्ड्स कहते हैं. बर्ड्स क्या होते हैं आपके? स्मॉल, ये आपका फोर्थ ईयर समझिए, इसका कोई प्रोसेस का नेम नहीं है. स्मॉल फ्लफी फाइबर्स. ये पिकआउट होते हैं, ये पिकआउट होते हैं हेयर से. अभी भी ये हेयर ही है, कोई फाइबर नहीं बना है. फाइबर तो लास्ट स्टेप में बनेगा, अभी तो ये बस हेयर का ही चल रहा है. और ये जो बर्ड्स होते हैं, आपने देखा कि आपका जैसे ये स्वेटर है, आई कांट ड्रॉ गुड गाइस, सो प्लीज डोंट जज माई ड्रॉइंग.
For example, this is your sweater. And you can see here some birds come here. Some birds appear na, some birds. That is the verse here. Next process is, in this process the fiber fibers are made. इस प्रोसेस में फाइबर मेड हो जाता है एंड डाई टू वेरियस कलर. और डाई मतलब वो वाला डाई नहीं कि मर गया, डाई मतलब कलर देना. डाई टू वेरियस कलर, वेरियस कलर्स. नाउ इन स्टेप सिक्स इट इज रोल इनटू यार्न. रोल इनटू यार्न then made it into fabric and clothes. ठीक है, अब थोड़ा सिल्क के बारे में देख लेते हैं. सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. द रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज सेरिकल्चर. जब आप सिल्क वॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क रियर करते हैं उसे हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं. एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसलिए याद करना. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क वॉर्म आर रियर्ड ऑन लार्ज स्केल. आपके सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो रियर्ड होते हैं लार्ज स्केल पे. अ फीमेल सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ गिव हंड्रेड ऑफ एग्स. एक फीमेल जो सिल्क मॉथ होती है वो हंड्रेड ऑफ एग्स देती है. देयर एग्स आर हैच बाय कीपिंग देम अंडर राइट टेम्परेचर. राइट टेम्परेचर के अंदर रख के वो हैच किए जाते हैं. राइट टेम्परेचर आप थोड़ा एट्थ में पढ़ेंगे, बट इफ यू नो द राइट टेम्परेचर कमेंट डाउन. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज अबाउट सिल्क, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड. यू ऑल नो. See you in the third part of this video. Till then, thank you. Bye-bye. Share with your friends.